कई बार लोग अपने बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर बैठते हैं और उस एक्सपेरिमेंट पर बाकी लोग हंसने लगते हैं। अब उदयपुर के एक आध शख्स ने भी ऐसा ही किया। दरअसल में उदयपुर के रहने वाले विनोद जैन ने अपने बच्चे का नाम कांग्रेस ही रख दिया। जब उनसे पूछा गया कि आपने देश की पॉलिटिकल पार्टी के नाम पर अपने बच्चे का नाम क्यों रख दिया, तो विनोद जैन बोले कि उनका पूरा परिवार उनके दादा से लेकर परदादा से लेकर वो तक सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी हमारे दिल में है, हमारी नसों में है। तो ऐसे में अगर मैंने अपने बच्चे का नाम कांग्रेस रख दिया तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मेरे बेटे का नाम कांग्रेस ही होगा। तो उनके बेटे का उन्होंने कांग्रेस नाम रखा और अब उनका बेटा कांग्रेस जैन के नाम से जाना जाएगा। ये जैन परिवार हम आपको बता दें कि आज़ादी के वक्त से पहले से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है। फिर सबसे पहले उनके परदादा कांग्रेस पार्टी में थे और जिला अध्यक्ष थे और आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। उसके बाद उनके दादा भी कांग्रेस पार्टी में रहे, दादा के बाद कांग्रेस के पिता भी कांग्रेस पार्टी को ही सर्व करते हैं और कांग्रेस के पिता ने कांग्रेस के पैदा होते ही तय कर दिया कि भैया मेरा बेटा भी कांग्रेस को ही सर्व करेगा। जैसे थ्री इडियट्स में अभिनेता माधवन के पिता बचपन में ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, वैसे ही कांग्रेस के पिता ने भी वो बच्चे के पैदा होते ही डिसाइड कर लिया कि उनका बेटा बड़े होकर कांग्रेस पार्टी सर्व करेगा। उनका बेटा जब बड़ा होगा अगर कहीं उसको कांग्रेस की विचारधारा पसंद नहीं आई तो वो अपने पिता के बारे में क्या सोचेगा, कहीं वो बीजेपी के लिए काम करने लगा तो जाहिर सी बात है अपने पिता को कोसेगा और कहेगा कि कहाँ मेरा नाम कांग्रेस रख दिया और हूँ मैं बीजेपी में। जाहिर सी बात है कई पेरेंट्स होते हैं अपनी विचारधारा शुरू में ही बच्चों पर थोप देते हैं और जब बच्चे 20-21 साल के होते हैं तो और अपनी विचारधारा डेवलप कर लेते हैं तो उसको अपने पिता और माता पिता के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि पिता का ईगो इतना हो जाता है कि उनको बर्दाश्त नहीं होता उनका बच्चा उनकी विचारधारा के खिलाफ जा रहा है। खैर, पॉलिटिकल विचारधारा एक घर में अलग अलग हो सकती है और इसमें कोई बुराई नहीं है। पॉलिटिकल विचारधारा अपने पिता से अगर किसी बेटे की अलग है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस के पिता ने तो जैसे तय कर लिया है कि उनका बेटा कांग्रेस पार्टी को ही सर्व करेगा और जिसका नाम कांग्रेस हो वो कहीं और जा भी जा सकता है। खैर, कॉमेडी हो जाएगी कांग्रेस के पिता के साथ अगर कांग्रेस बड़ा होकर कांग्रेस को सर्व नहीं करता है तो। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।